जय हिंद, सुप्रभात। आज हम जानेंगे क्लास 12th का चैप्टर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर्स या फिर कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर, जो इसका पहला नाम था। इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कार्टून, सारी चीज़ें कवर करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जो इस चैप्टर के हैं वो भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि न्यू सेंटर्स ऑफ पावर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसके लिए हमें थोड़ा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। तो देखिए, 1945 में हम जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है हमारा वो एंड हो जाता है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब एंड होता है तो दुनिया में दो पावर्स निकल कर आती हैं, USSR और अमेरिका, और ये दोनों 1990 तक कोल्ड वॉर का जो टाइम था उसमें लड़ती हैं आपस में आइडियोलॉजिकल बेसिस पर। और आखिरकार जो USSR होता है वो डिसइंटीग्रेट होता है, टूट जाता है और पूरे वर्ल्ड पर किसका डोमिनेंस आ जाता है, पूरे वर्ल्ड पर आ जाता है US की हेजेमनी आ जाती है, दबदबा आ जाता है किसका, US का। तो US पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, हर तरीके से बहुत पावरफुल हो चुका था। और एक तरीके से ये हो सकता है कि ये दूसरी कंट्रीज पे अपना दबदबा जमाता है, इस वजह से हमें न्यू सेंटर्स ऑफ पावर की ज़रूरत पड़ी ताकि US के डोमिनेंस को कम किया जा सके। तो इस चैप्टर में हम ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे, जैसे कि आपकी कुछ हैं, आपकी आसियान, सार्क, ब्रिक्स, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक शुरू करते हैं, द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो देखिए, द यूरोपियन यूनियन, हम पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड बता देती हूँ, यूरोपियन यूनियन बना कैसे। तो देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, तो यूरोप जो है, हम देखते हैं कि यूरोप के कई कंट्रीज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी डैमेज हुई थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी, इनका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो ये इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर तरीके से, एक तरीके से कहें तो डिसइंटीग्रेट हो गई थी, टूट चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम देखते हैं कि यूरोप के देशों ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया था, ठीक है। तो अमेरिका ने इसकी हेल्प करी, दैट इज़ कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, मार्शल प्लान कहते हैं। तो अमेरिका ने इनको फाइनेंशियल हेल्प दी, ठीक है। मार्शल प्लान नाम क्यों पड़ा, क्योंकि अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनका नाम भी मार्शल ही था। तो उन्होंने जो है एक पॉलिसी बना, एक पूरा एक प्लान बनाया जिसको मार्शल प्लान बोलते हैं, और जिसमें यूरोपियन कंट्रीज जो थी, जैसे और खासकर वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो थी, उनको हेल्प दी। तो उसके बाद हम देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन बनने से पहले छोटे छोटे स्टेप्स उठाए गए, सीधा थोड़ी यूरोपियन यूनियन बन जाएगा। तो काउंसिल ऑफ यूरोप बना पहले, ठीक है, क्या बना, काउंसिल ऑफ यूरोप बना 1949 में। 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप बनने से जो पॉलिटिकल, थोड़ा जो पॉलिटिकल हेल्प थी, जो पॉलिटिकल कॉरपोरेशन था, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस बनाए गए ताकि पॉलिटिकली काम जो है देश के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर हो सके। उसके बाद हम देखते हैं जो छह मेजर यूरोपियन कंट्रीज थी, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो थी, क्योंकि हम देखते हैं जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो थी उस पर किसने अपना डोमिनेंस जमा रखा था, थोड़ा USSR ने जमा रखा था। तो अमेरिका जो है 1945 से ही हम देखते हैं कि किसकी मदद कर रहा था, आपकी वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज की। तो फ्रांस, ये फ्रांस लिखा है आपका शॉर्ट में, फ्रांस, जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लक्समबर्ग, इन कंट्रीज को जो है इन्होंने ट्रीटीज ऑफ रोम साइन करा है 25 मार्च 1957। अब ध्यान से सुनिए, ट्रीटीज ऑफ रोम इन छह कंट्रीज ने साइन किया 25 मार्च 1957 को, और क्या बनाया, आपकी एक और कम्युनिटी बनाई जिसका नाम था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ठीक है, 1957 की बात है। उसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक साइन हुई कब, 7 फरवरी 1992 में, और आपका यूरोपियन यूनियन जो है वो फॉर्म हो गया आखिरकार 1992 में। पहले इकोनॉमिक काउंसिल बनी, ठीक है, पहले पॉलिटिकल काउंसिल बनी, उसके बाद यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि 1992 में मैस्ट्रिक जो है, ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक साइन हुई, और आपके इस टाइम जो, इसमें कितनी कंट्रीज हैं, इस टाइम इसमें 27 कंट्रीज हैं। अभी रिसेंटली आपकी 2020 में हम देखते हैं कि ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन में से क्या ले ली थी, एग्जिट ले ली थी, बाहर निकल गया था। अब इस वक्त इसमें 27 कंट्रीज हैं, आखिरी जो देश इसमें से एग्जिट हुआ है वो है ब्रिटेन। अब बात करें फ्लैग की, तो इसका अपना एक फ्लैग है, इसका नेशनल एंथम है, मतलब इन कंट्रीज का एक एंथम है, ठीक है। फाउंडेशन डे बनाते हैं अपना 9 मई को ही अपना फाउंडेशन बनाते हैं, और इन सबकी एक कॉमन करेंसी है जिसको बोलते हैं यूरो, ठीक है। अभी यूरो का इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। इनकी जो कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन की, जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, इनके पास क्या थे, न्यूक्लियर वेपन्स जो है हम देखने को मिलते हैं इनकी कंट्रीज के बाद, जो इनको मिलिट्री तौर पर बहुत ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। अब यहां पर ये देखिए, एक कार्टून मैं आपको दिखाती हूं, ये जो कार्टून आप देख रहे हैं ये 2003 का कार्टून है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करी थी यूरोपियन यूनियन ने, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन चाह रहा था कि वो अपना एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। अब हमें पता है कि इसमें इतनी सारी कंट्रीज हैं तो ये सब एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन पे कैसे चल सकती है, तो ये जो इसकी प्रैक्टिस थी ये फेल हो गई, इस वजह से इसको टाइटैनिक
एक तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि टाइटैनिक भी जो है वो फेल हो चुका था, है ना। हमें पता है कि ग्लेशियर से टकरा कर वो डूब गया था, ठीक है, वो भी एक फेल अटैम्प्ट था इतने बड़े जहाज का। तो इसी तरह से यूरोपियन यूनियन को, ये जो आप स्टार्स भी देख रहे हैं जहाज पे बने हुए, यूरोपियन यूनियन के ही स्टार्स हैं, 12 स्टार्स। अब फ्लैग की बात करते हैं इसकी, तो फ्लैग देखिए इसका, फ्लैग जो है इसका, इसमें सर्कल ऑफ गोल्ड स्टार स्टैंड्स फॉर अ सॉलिडेरिटी एंड हार्मनी, ठीक है। ये जो आपको सर्कल दिख रहा है 12 स्टार्स का, ये किसके लिए स्टैंड करता है? सॉलिडेरिटी एंड हार्मनी। और 12 ही स्टार्स क्यों हैं? क्योंकि 12 जो है इट इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीटनेस, ठीक है, यूनिटी। तो इस वजह से इन्होंने 12 स्टार्स बनाए, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की, तो ऑब्जेक्टिव जो हैं इसके वो हैं कि म्यूचुअल फॉरन पॉलिसी बनाना, मतलब ये जो देश हैं आपस में इस वक्त 27 देश, इनके बीच में एक म्यूचुअल फॉरन पॉलिसी बनाना जिससे सब राजी हों, ठीक है। वीज़ा फ्री ट्रैवल बनाना, जैसे अगर ब्रिटेन का कोई इंसान फ्रांस में जा रहा है तो वो क्या उसको वीज़ा फ्री ट्रैवल मिले, ठीक है। कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या बढ़ाना, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना, ठीक है। सिंगल करेंसी, इन दोनों, इन सारे देशों के बीच में एक सिंगल करेंसी बनाना, ठीक है। तो डेवलपमेंट, पीस, इस ये सब जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही आता है कि यूरोपियन यूनियन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, वो भी हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। उसके बाद अगर हम बात करें, अब बात करते हैं हम फीचर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन की, कि फीचर्स क्या हैं यूरोपियन यूनियन के। तो देखिए, सबसे पहला जो, मतलब इसकी, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, ये इतना ज़्यादा इकोनॉमिकली ग्रो, यहाँ से सबसे मेजर क्वेश्चन उठता है हर साल, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है कि यूरोपियन यूनियन के इकोनॉमिक फीचर्स बताओ। और यूरोपियन यूनियन आज दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे कि सार्क है और आपका आसियान है, वो इनसे इतना आगे कैसे निकल गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसके इकोनॉमिक फीचर्स जो हैं, इट इज़ अ, ये जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी थी 2005 में, मतलब इकोनॉमिकली देखें तो 2005 में दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी थी 2016 में। रिसेंटली भी 2016 में भी हम देखते हैं कि लार्जेस्ट इकोनॉमी थी। यूएस डॉलर के लिए खतरा है यूरो, मतलब यूरो का जो इंपॉर्टेंस है, जो यूरो की जो वैल्यू है वो दिन ब दिन क्या बढ़ती चली जा रही है। तो एक दिन होगा जब जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड होगा वो किसके अंदर होगा, डॉलर के, यूरो के अंदर होना जो है शुरू हो जाएगा। मतलब एक दिन जो है डॉलर का जो वैल्यू है वो घट जाएगा और यूरो का जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड में ये इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो अमेरिका से भी लार्जर देन यूएसए, अमेरिका से भी ज़्यादा है। और जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसमें हम देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, अपना पूरा स्टैंड लेता है, अपनी पूरी बात रखता है। तो ये इसके कुछ इकोनॉमिक फीचर्स थे। उसके बाद बात करें इसके पॉलिटिकल फीचर्स की, तो पॉलिटिकल फीचर्स में अगर बात करें तो पहला तो ब्रिटेन भी था इसमें शामिल, ब्रिटेन 2020 में गायब हो चुका है। तो यूरोपियन यूनियन जो है आपका, उसके जो एक मेंबर है फ्रांस, वो यूएन, मतलब यूनाइटेड नेशंस में जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है उसमें परमानेंट सीट है उसकी, परमानेंट मेंबर है वो यूनाइटेड नेशंस का। देखिए यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है ना, उसमें 5 जो होते हैं वो क्या होते हैं, 5 जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं और 10 जो होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं। जो परमानेंट मेंबर होते हैं ना यूनाइटेड नेशंस के, उनके पास वीटो की पावर होती है। मान लीजिए कि यूनाइटेड नेशंस की जो सारी कंट्रीज हैं जो शामिल हैं, अराउंड 193 कंट्रीज हैं, वो चाहती हैं कि कोई जो है कोई डिसीजन लिया जाए, कोई पॉलिसी बनाई जाए, पर एक कंट्री जो 5 मेंबर में से एक है जैसे कि फ्रांस, ठीक है, वो नहीं चाहती, तो वो फ्रांस जो है वो वीटो कर देगा और उसके बारे में आप उससे पूछ भी नहीं सकते। तो इतनी इंपॉर्टेंट जो है ये वीटो की पावर होती है, ठीक है। अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन जो है, पूरा यूरोपियन यूनियन पूरा इन्फ्लुएंस करता है यूएस पॉलिसीज़ को भी हम देखते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ये लिखना है कि पॉलिटिकली भी ये बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद देखते हैं जो नेगोशिएशन, हर मामले में इफेक्टिव नेगोशिएशन देखने को मिलता है कि चाइना के साथ बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन कर, पूरे इफेक्टिव नेगोशिएशन, पूरी पूरे दबदबे के साथ अपनी बात रखता है। ह्यूमन राइट्स पे जिसको बात करनी होती है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन पे जो बात करनी होती है, तो ये खुल के बात करता है। उसके बाद बात करें इसके मिलिट्री इन्फ्लुएंस की, तो मिलिट्री इन्फ्लुएंस तो इसका बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और ठीक है क्योंकि इकोनॉमिकली ज़्यादा स्ट्रांग है, इसी वजह से मिलिट्री भी इसकी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सेकेंड लार्जेस्ट आर्म फोर्सेज हैं इनके पास। टोटल स्पेंडिंग अगर अमेरिका के पास देखें तो डिफेंस पे यही करता है, मतलब टोटल स्पेंडिंग ऑन डिफेंस जो है अमेरिका के बाद इसकी का है। उसके बाद फ्रांस के पास, हमने अभी बताया, न्यूक्लियर वेपन्स हैं बहुत सारे। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अगर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के मामले में भी देखें तो ये जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं ये वर्ल्ड में सेकंड पर स्टैंड करते हैं। उसके बाद बात करें
लिमिटेशंस की, तो लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन के जो ये दो मेंबर्स हैं डेनमार्क और स्वीडन, ये यूरो मानने से इनकार करते हैं, और वहीं यूरोपियन यूनियन के जो कुछ देश हैं वो उनके डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस हैं, उनमें डिफरेंट ओपिनियंस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं कई बार। ठीक है, कोई अगर किसी चीज़ को ठीक कह रहा होता है तो वही दूसरा जो होता है उस चीज़ को गलत कह रहा होता है। ठीक है, तो फॉरेन रिलेशंस भी हम देखने को मिलते हैं किसी कंट्री। अब बात करते हैं आसियान के देशों की। तो देखिए, आसियान जो है इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं उनके डेवलपमेंट के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनेगी वो बनेगी आसियान। जैसे यूरोपियन यूनियन, जो यूरोप की कंट्रीज हैं उसके लिए यूरोपियन यूनियन बनी थी डेवलपमेंट के लिए, वहीं जो आपकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनके लिए क्या बनेगी? आसियान। आसियान जो है 1967 में बना था, और कितनी कंट्रीज ने मिलकर बनाया था? 5 कंट्रीज ने मिलकर बनाया था, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। इन 5 ने मिलकर बैंकॉक डिक्लेरेशन पे साइन करके आसियान को क्या करा था? एस्टैब्लिश किया था। उसके बाद में 5 और कंट्रीज इसमें शामिल हो गई थी, तो इसमें अब कितने? 10 देश शामिल हैं। ठीक है, 10 देशों के नाम आपको याद होने चाहिए। और ये पूछा जाता है कि आसियान क्या है, आसियान के 10 देश कौन से हैं? तो बुर्नई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। ठीक है, तो ये जो है ये कुछ कौन सी कंट्रीज हैं आपकी जो बाद में ज्वाइन हुई है। ठीक है, कब कौन सी कंट्री ज्वाइन हुई ये आपको नहीं पढ़ना। उसके बाद इसकी देखिए, ये जो है इसका फ्लैग है। फ्लैग पे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं कि जो इसमें जो आपको टैन स्टॉक्स दिख रहे हैं पैडी राइस के, वो किसके लिए? तो इसमें 10 देश शामिल हैं, तो टैन स्टॉक्स जो है वो किसके लिए स्टैंड करते हैं? फॉर द 10 नेशंस। ठीक है, तो इसके ये जो सर्कल है आपको देखने को मिल रहा है यूनिटी के दिखाता है, उसकी रेड कलर करेज, जो येलो कलर आपको दिख रहा है वो प्रोस्पैरिटी दिखाता है, और व्हाइट कलर जो दिखाता है वो दिखाता है प्योरिटी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, इन 10 देशों के बीच में प्रमोट करना सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट करना, इकोनॉमिक ग्रोथ, पीस, क्योंकि हम देखते हैं इनकी जो कई देश हैं उसमें क्या रहता है, थोड़े पीस नहीं रहता है, तो इस वजह से पीस स्टैब्लिश करना, फ्री ट्रेड, ये जो 10 कंट्रीज हैं इनके बीच में कॉमन मार्केट क्रिएट करना है, कॉमन मार्केट स्टैब्लिश करना और फ्री ट्रेड करना। ठीक है, और कम से कम हम देखते हैं जो आपका कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है ट्रेड को बढ़ावा देना, लॉ एंड ऑर्डर को क्या करना? इम्प्रूव करना इन देशों के बीच में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आसियान वे, आसियान वे क्या है? तो आसियान वे जो है ये एक इनफॉर्मल नॉन कॉरपोरेशनिस्ट कोऑपरेटिव जो है एक तरीके से इनका तरीका है, मतलब किसी भी बात, ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है, ये कोई फॉर्मल ग्रुप नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि इनफॉर्मल ग्रुप है, ये लोग मिलके इनकी सबकी जो है अलग अलग पॉलिसीज होती हैं। ठीक है, कोई देश किसी देश में जो है दखल अंदाजी नहीं करेगा। ठीक है, सब अपने अपनी जो है फॉरन पॉलिसीज बनाएंगे, अपने तरीके से अपने देश को चलाएंगे, कोई देश जो है किसी के बीच में जो है वो दखल अंदाजी नहीं देगा। वही यूरोपियन यूनियन एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ तो एक कॉमन करेंसी चल रही है, पर आसियान के देशों में कोई कॉमन करेंसी नहीं है। ठीक है, तो ये आसियान वे कई बार पूछ लिया जाता है कि आसियान वे क्या है, तो ये एक इनफॉर्मल है, और ये एक तरीके से इस बात पर बेस्ड है कि हम कोई भी अगर नाराजगी किसी देश की किसी से हो जाती है, ठीक है, तो कोई भी डिस्प्यूट अगर हो जाता है तो वो उसको हम प्यार से सुलझाएंगे, ना कि मारपीट से, मिलिट्री से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 3 पिलर्स ऑफ आसियान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि आसियान के 3 पिलर्स कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आसियान, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है आसियान के पहले पिलर में है आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी। ठीक है, तो आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी इस बात पे बेस्ड है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है ना कंट्रीज के बीच में, जैसे कि मान लीजिए म्यांमार की लड़ाई हो जाती है किससे, लाओस से हो जाती है या फिर कंबोडिया से हो जाती है, तो उसको मिलिट्री तक नहीं लेके जाना है। ठीक है, उसको मिलिट्री से नहीं सुलझाना है, उसको वॉयलेंस से नहीं सुलझाना है, बल्कि बातचीत से, कॉपरेशन से जो है क्या करना है, उस डिस्प्यूट को क्या करना है, रिजॉल्व कर देना है। तो ये है आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी। उसके बाद दूसरा है आसियान सोशल एंड कल्चरल कम्युनिटी। अब आसियान सोशल एंड कल्चरल कम्युनिटी क्या है? प्रमोट सोशल डेवलपमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डेवलपमेंट की बात होती है इसके अंदर, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात की जाती है। ठीक है, किसके लिए कमिटेड है ये? बहुत पार्टिसिपेटिव रिस्पॉन्सिबल कम्युनिटी बनाने के लिए आसियान को, और आसियान से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाए, सोशल कम्युनिटी जो है हर देश की उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करा जाए, फ़ायदा पहुंचाया जाए, इस पर बेस्ड है आसियान सोशल कम्युनिटी। उसके बाद तीसरी है बहुत इंपॉर्टेंट आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी। तो इकोनॉमिक से आप समझ गए होंगे ये किसकी बात करता है, ये बात करता है फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें ये है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, हालांकि बहुत एक तरीके से कह सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज हैं इसके अंदर, उसके बावजूद भी बहुत फास्टेस्ट ग्रो ये कर रही है, ये जो आसियान के देश हैं, और
प्रमोट कॉमन ट्रेड, कॉमन मार्केट, फ्री ट्रेड को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना, सेटिंग इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स, जो भी इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स अगर दो देशों के बीच में हैं उसको सॉल्व करके जल्द से जल्द ट्रेड को, व्यापार को बढ़ाना, और गुड मैकेनिज्म, गुड टेक्नोलॉजी का आपस में ट्रांसफर करना ताकि ट्रेड जो है वो बढ़ सके, ठीक है। उसके बाद एक ये मैं आपको बता दूं, ARF आसियान रीजनल फोरम, ठीक है, ये किसकी बात करता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, ये कई बार पूछ लेते हैं तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसियान विजन 2020 क्या है, ठीक है, 2020 क्या है, तो इसमें कुछ लिस्ट ऑफ गोल्स थे जो आसियान को 2020 तक पूरे करने थे, जैसे कि क्या करना, ज्यादा से ज्यादा फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना, ठीक है, जितने भी अगर 10 देशों के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़े हैं तो उसको जल्द से जल्द सुलझाना, ठीक है, एक अच्छा सोशल और एक अच्छा पॉलिटिकल बिहेवियर जो है देश के सारे देशों के अंदर लागू कराना, तो ये जो है आसियान विजन 2020 था, ठीक, सारे देशों के डिस्प्यूट सॉल्व करना, ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ पर ध्यान देना, ठीक है, फ्री ट्रेड पर ध्यान देना, ठीक है, और अपने कल्चर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, ये जो था आसियान 2020 था। उसके बाद देखिए आपको एक कार्टून दिख रहा है, ठीक है, इस कार्टून में क्या दिख रहा है आपको, इस कार्टून में दिख रहे हैं आपको मनमोहन सिंह जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, 1990 में हम देखते हैं कि इंडिया ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की थी जिसका नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि इकोनॉमिक इंटरैक्शन करा था इंडिया ने किसके साथ, ईस्ट एशियन नेशंस जैसे कि चाइना, जापान, साउथ कोरिया और जो आसियान के देशों के साथ भी इन्होंने क्या करा था, ज्यादा से ज्यादा क्या करने की कोशिश की थी, रिलेशन बनाने की कोशिश की थी, अपना इनके साथ ट्रेड करने की कोशिश की थी। अब इसमें आपको ये दिख रहा होगा कि जो है क्या चल रहा है, एक फायर जो है लकड़ियों में चल रहा है, तो वो कंपटीशन को दिखाता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हर कंट्री के साथ जो है ये जो कंट्रीज हैं चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इनसे भी कंपीट करना पड़ेगा और आसियान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिलेशंस बनाने पड़ेंगे। तो लुक ईस्ट पॉलिसी में जो है मनमोहन सिंह जो है जो आपके ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशन बनाना चाहते थे, और उसी के साथ हम देखते हैं कि कॉम्पिटिशन भी देखने को मिलता है सारी कंट्रीज के बीच में, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और आसियान कंट्रीज के बीच में। उसके बाद हम देखते हैं रेलेवेंस क्या है आसियान का, इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, तो आसियान जो है वो फ्री ट्रेड एरिया पे फोकस करता है फॉर इन्वेस्टमेंट एंड लेबर सर्विसेज, ठीक है, हम देखते हैं कि आज जो मेजर इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं वो आसियान कंट्रीज में की जाती हैं, यूएसए और चाइना जो है वो यूएसए और चाइना जैसे देश जो हैं वो आसियान के जो कंट्रीज हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाना चाहते हैं, रिलेशंस बनाना चाहते हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस बनाना चाहते हैं। इंडिया ने फ्री ट्रेड एरिया जो है एक तरीके से साइन किया है किसके साथ, सिंगापुर और थाईलैंड, ठीक है, तो ये जो है एक समझौता हुआ है किसके बीच में, इंडिया के बीच में और सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में, तो इंडिया ने समझौता किया है फ्री ट्रेड एरिया को लेकर सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में कि हम जो है ज्यादा से ज्यादा ट्रेड पे ध्यान देंगे, ठीक है। ओनली रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन, ये एक ऐसी एकमात्र जो है आसियान एकमात्र ऐसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉलिटिकल फॉरम देती है कहाँ पे, डिस्कशन के लिए, क्योंकि जो भी कोई भी पॉलिटिकल डिस्प्यूट है, कोई भी बात है, तो उसको आप यहाँ पे आके डिस्कस कर सकते हो। 1991 में हम देखते हैं कि इंडिया ने एक पॉलिसी अपनाई थी जिसको बोलते हैं वॉक ईस्ट पॉलिसी, जिसे आसियान कंट्रीज के साथ जो है हम देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है इम्प्रूव हुए हैं हमारे रिलेशंस। तो ये था हमारा आसियान के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सार्क। अब बात करते हैं सार्क की, तो सार्क जो है वो साउथ एशियन कंट्रीज का जो है एक रीजनल कॉरपोरेशन है, ठीक है। इसको स्टैब्लिश करा गया था 8 दिसंबर 1985 को, क्या करा गया था, इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, चार्टर ऑफ ढाका साइन करके। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि MBBS स्पेन, ये कुछ कंट्रीज के नाम है, इसको इस तरह ये ट्रिक है इसकी MBBS स्पेन की, अभी हम देखते हैं इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो नेपाल में, नेपाल का जो काठमांडू है वहाँ पर इसकी हम देखते हैं कि इसका हेडक्वार्टर। अब देखिए इसमें कौन सी कंट्रीज शामिल है, तो उसकी ट्रिक है MBBS स्पेन, तो M से जो होगा वो होगा मालदीव्स, बी से भूटान, बी से बांग्लादेश, एस से श्रीलंका, और पेन जो है पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, आई से इंडिया और एन से नेपाल। अगर इन सब में देखें तो सबसे बड़ी कंट्रीज जो है, ठीक है, वो है आपकी इंडिया, ठीक है, सबसे ज्यादा जो डोमिनेटिंग कंट्री जो मानी जाती है वो मानी जाती है इंडिया, ठीक है। आज अफगानिस्तान जो है वो 2005 में सार्क का मेंबर बना है, पहले इसका मेंबर नहीं था। कई बार बच्चे सोचते हैं कि चाइना भी जो है इसका पार्ट है, तो आपको याद रखना कि चाइना जो है वो सार्क का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव्स पे क्वेश्चन आता है कि इसके ऑब्जेक्टिव बताइए, इसके देशों के नाम बताइए, तो मैंने जिस तरह से लिख रखा है इसी पर आपको सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स देखें तो जो ऑब्जेक्टिव्स कहीं ना कहीं बस एक या दो ऑब्जेक्टिव ही हर उसके अलग होते हैं, वरना सभी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को ध्यान देना, सोशल एंड कल्चरल प्रोग्रेस करना, सारी कंट्रीज के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ाना, ट्रस्ट बढ़ेगा तभी तो हम देखते हैं कि आपस में लोग वो दोनों ट्रेड करेंगे, ठीक है।
उसके बाद और क्या करना, वेलफेयर, ठीक है, प्रमोट वेलफेयर, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि ये जो देश है ज्यादातर बहुत गरीब देश है, ठीक है, इंडिया हो गया आपका, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, अगर इंडिया को छोड़ दें इसके अंदर तो भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, श्रीलंका, ये इतनी ज्यादा डेवलप इकोनॉमीज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इन देशों के बीच में ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है लोगों को बढ़ाना, प्रमोट करना ज्यादा से ज्यादा, ये देखते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसका इंपॉर्टेंस है 5.21% जो है ग्लोबल इकोनॉमी में इसका टोटल कंट्रीब्यूशन है। सार कंट्रीज जो है वो कॉमन ट्रेडिशन, अगर हम देखें सार कंट्रीज के बीच में, तो हमारी जो कंट्रीज हैं इनके बीच में हमें कॉमन ट्रेडिशन, ड्रेस, फूड देखने को मिलता है। हालांकि सार कितना ज़्यादा कह सकते हैं कि इतना क्या बोलेंगे उसको, कि इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाया है, ठीक है, इतना जितना यूरोपियन यूनियन, आसियान जितने आगे बढ़ गए ना, सार्क उतना आगे नहीं बढ़ा। अभी हम रीजंस पढ़ेंगे, क्योंकि आपस में ही सारी कंट्रीज जो हैं वो लड़ती रहती हैं। इंडिया के पाकिस्तान के साथ कितने सारे डिस्प्यूट्स हैं, इंडिया के बांग्लादेश के साथ कितने सारे डिस्प्यूट्स हैं, अफगानिस्तान में आपको पता है क्या चलता है। तो इस तरह से इतने ज़्यादा ये इन कंट्रीज में डिस्प्यूट्स हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ डिस्प्यूट्स पे ही पहले अपनी सारे डिस्प्यूट्स ही सुलझा लें, उसके बाद तो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे। उसके बाद देखिए साफ्टा, साफ्टा पे पूछा जाता है। साफ्टा एक एग्रीमेंट है जो फ्री ट्रेड के बारे में बात करता है। फ्री ट्रेड को प्रमोट करने के लिए एग्रीमेंट किया गया था 2004 में, और इफेक्ट में कब आया था ये 2006 में, ठीक है। तो सार्क कंट्रीज के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था फ्री ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, उसको बोलते हैं साफ्टा, ठीक है। उसके बाद बात इंडिया एंड सार्क। अब ये देखिए कि सार्क कंट्रीज में जो सबसे डेवलप्ड और पावरफुल अगर कंट्री देखी जाए तो वो इंडिया ही है, और इंडिया ही इन कंट्रीज को अगर लीड करने की कोशिश करे तो हम देखते हैं कि चाइना को काउंटर किया जा सकता है, ठीक है। ये सारी कंट्रीज, ये जो 8 कंट्रीज जो इसके अंदर शामिल हैं, ये 8 कंट्रीज अगर मिलके इकोनॉमिक ग्रोथ पे काम करें, अगर मिलके ट्रेड पे काम करें, तो चाइना को है क्या करा जा सकता है, काउंटर किया जा सकता है, ठीक है। अगर ये आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट रखें कि दोनों कंट्रीज, क्योंकि सार्क कंट्रीज के बीच में हमें बहुत ज़्यादा क्या डिबेट्स और बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, तो अगर वो एक म्यूचुअल ट्रस्ट एक दूसरे पर रखें, पाकिस्तान इंडिया पर रखें, इंडिया पाकिस्तान पर रखें, बांग्लादेश पर रखें, अफगानिस्तान में रखें, तो हम ये देखते हैं कि पीस स्टैब्लिश हो सकता है इन कंट्रीज में, और ईस्ट एशियन, खासकर कहाँ पे, ईस्ट एशिया में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है वो देखने को मिल सकती है। उसके बाद बात करें इसके लिमिटेशंस की, तो लिमिटेशंस तो बहुत हैं सारे कंट्रीज में, और ये इतना ज़्यादा, मैंने अभी आपको बताया था, इतना जितना ज़्यादा डेवलप यूरोपियन कंट्रीज ने, आसियान कंट्रीज ने अपने आप को किया है, उतना सार्क कंट्रीज बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इनके आपस में देशों में लड़ाइयाँ रहती हैं। जैसे कि इंडिया का अगर हम देखें, इंडिया और पाकिस्तान, अभी क्योंकि वो नेक्स्ट चैप्टर में, तो मैंने इसमें लिखा नहीं है, इंडिया और पाकिस्तान का कितने सारे इश्यूज हैं, कश्मीर इशू है, टेररिज्म है, ठीक है, आपका इंडस रिवर है, इतने मामलों पर इंडिया की पाकिस्तान के साथ लड़ाई रहती है, कश्मीर के मामले पे, आतंकवाद के मामले पे, ठीक है, और आपका सिंधु नदी जो है, इंडस रिवर जो है, उसके मामले में इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई रहती है। ऐसी इंडिया और बांग्लादेश की भी लड़ाई रहती है, डिस्प्यूट्स रहते हैं, लड़ाई नहीं बोलेंगे, डिस्प्यूट्स रहते हैं, कि जैसे कि आपका ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है, तो इंडिया और बांग्लादेश का ब्रह्मपुत्र पे, और ट्रेड के कई मामलों पे जो है डिस्प्यूट रहते हैं, ठीक है। तो इंडिया कई बार जो सार्क कंट्रीज हैं वो इल्ज़ाम लगाती हैं इंडिया पर कि इंडिया डोमिनेट करने की, दबदबा जमाने की कोशिश करता है सारी कंट्रीज़ पर, ठीक है, और इन कंट्रीज़ के पास फंड्स भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे स्लो डेवलपमेंट कर रही हैं अपना, तो इनके पास इतने फंड्स नहीं है कि आपस में क्या कर सकें, एक दूसरे को फंड ट्रांसफ़र करके जो है इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकें। इंडियाज एंड बांग्लादेश डिस्प्यूट भी हमें देखने को मिलते हैं, तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस हमें देखने को मिले। अब बात करते हैं चाइना की। अब चाइना हमें पता है कि वर्ल्ड की सबसे लीडिंग, सबसे ज़्यादा डेवलपिंग इकोनॉमी हमें देखने को मिलती है, और हम ऐसा मानते हैं कि 2040 तक वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी जो होगी वो चाइना की होगी। तो कैसे चाइना ने अपनी इकोनॉमी को, एक टाइम था जब चाइना में कई दिक्कतें थी, पर आज हम देखते हैं कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है धीरे धीरे ये बनती चली जा रही है, और 2040 तक ऐसा माना भी जाता है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहा है चाइना। तो कौन सी उसने पॉलिसीज अपनाई हिस्ट्री से लेकर अब हम आज तक इसकी बात करेंगे। अगर हम बात करें इसके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्ट, मतलब पॉलिटिकल
पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन किस बेस पर चलता है, तो यहाँ पर चलता है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि जहाँ पर सारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो किसके हाथ में होते हैं, प्रॉपर्टी रिसोर्सेज मेजरली किसके हाथ में होते हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ओन करती है, मतलब एक पर्टिकुलर पार्टी होगी वो इसको ओन करेगी। इसके बीच में मैंने आपको डिफरेंस बता रखा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म। चलिए बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री देखिए, आप बताइए कि हिस्ट्री जो है, माओ ज़ेडांग जो था उनकी लीडरशिप में पीपल्स रिपब्लिक चाइना जो है वो बना 1945 में। माओ ज़ेडांग जो थे, ठीक है, जो लीडर थे चाइना के, वो पीपल्स रिपब्लिक चाइना बनाते हैं, ठीक है। इनकी पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट चाइना, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। ये सोवियत मॉडल पे जो है आधारित थी। सोवियत मॉडल आपको पता है किस पर कम्युनिज्म फॉलो करता था। अब नाउ चाइना जो है उसने क्या करा, चाइना ने ये डिसीजन लिया कि हम किसी भी बाहर कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से किसी भी तरह का रिलेशन जो है नहीं रखेंगे, उससे क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। बिल्ड अप बाय ओन रिसोर्सेज, अपनी इकोनॉमी को, अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं जो भी हैं उनके उस रिसोर्सेज के बल पर अपनी इकोनॉमी को खड़ा करेंगे। स्टेट ओन्ड हैवी इंडस्ट्रीज, भाई क्योंकि यहाँ पे कम्युनिज्म था, ठीक है, चाइना में हम देखते हैं, ठीक है। हालांकि यूएसएसआर की और चाइना की कई कई मामलों में हम देखते हैं कि बनती नहीं थी, उसके बावजूद भी चाइना कम्युनिज्म फॉलो करता था जो यूएसएसआर करता था। स्टेट ओन्ड हैवी इंडस्ट्रीज विद हेल्प ऑफ कैपिटल एक्युमुलेटेड बाय एग्रीकल्चर, जो पैसा एग्रीकल्चर से आता था, ठीक है, एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी करते थे और खेती बाड़ी से जो पैसा निकल कर आता था वही पैसा जो है एक तरीके से अपने डेवलपमेंट में लगाते थे, ठीक है। जितनी भी हैवी इंडस्ट्रीज थी वो एक तरीके से किसके पैसे से लगती थी, आपके एग्रीकल्चर के पैसे से लगती थी, ठीक है। तो मतलब पूरी एग्रीन इंडस्ट्री थी इनकी पहली। उसके बाद चाइना जो है जो भी रिसोर्सेज होते थे थोड़े बहुत उससे क्या खड़ी करता था, अपनी इंडस्ट्रीज खड़ी करता था, एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर जो है ये, क्योंकि ये सब किसके फीचर्स हैं, ये सब कम्युनिज्म के फीचर हैं कि एम्प्लॉयमेंट, रोजगार होना, वेलफेयर सोसाइटी का, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब किसकी जिम्मेदारी होती है, सरकार की। तो ये सब जो होता है कम्युनिस्ट कंट्रीज में बहुत अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ कर रहे होता है किस रेट से कर रहा था, 5-6% की रेट से कर रहा था इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अब क्या होगा, धीरे धीरे जो चाइना है वो किसके साथ रिलेशन बनाना शुरू करेगा, यूएस के साथ, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे धीरे धीरे ये रिलेशन जो है ये इसके ने जो आइसोलेशन की जो पॉलिसी अपना रखी थी वो खत्म कर देगा और यूएस के साथ जो है ये अपने रिलेशन बनाना शुरू करेगा, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोइंग नीड पीपल ग्रोथ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे चाइना की, आपको तो पता है चाइना की पॉपुलेशन सबसे आगे, तो पॉपुलेशन जो है चाइना की धीरे धीरे क्या होने लगी, चाइना में बढ़ने लगी। और धीरे धीरे जब पॉपुलेशन बढ़ी तो चाइना के लोगों की नीड भी बढ़ने लगी। पर ये पैसा कहाँ से लेकर आ रहे थे, एग्रीकल्चर से, और एग्रीकल्चर के बेस पे अपनी इकोनॉमी चला रहे थे। अब आपको पता है कि एग्रीकल्चर कितना प्रोडक्शन कर लेगा, एक लिमिटेड जितनी जमीन है उतना ही तो प्रोडक्शन कर लेगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन जो है वो सफिशिएंट नहीं रहा टू जनरेट सरप्लस टू इंडस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि दिक्कत होनी शुरू हुई, कंज्यूमर गुड्स होने कम होने शुरू हुए, लोगों को दिक्कतें हुई। उसके बाद क्या हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत लो होने लगा। जब लोगों की नीड जो है वो बढ़ रही थी पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उतना ही था, इंटरनेशनल ट्रेड में भी इनका कोई ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था और यहाँ की पर कैपिटा इनकम भी बहुत लो थी। तो ये दिक्कतें हमें देखने को मिल रही थी चाइना में। तो इस वजह से जो चाइना है वो 1972 में जो अपना आइसोलेशन की जो पॉलिसी थी कि हमें बाहर के किसी भी देश से कोई रिलेशन नहीं रखना है, हम जो करेंगे अपने दम पे करेंगे, ये इन्होंने खत्म कर दिया 1972 में। और आखिरकार यूएसए और अदर कंट्रीज के साथ इन्होंने रिलेशन बनाने शुरू किए। उसके बाद धीरे धीरे हम देखते हैं कि चाइना का जो रुख है वो थोड़ी तरफ किसकी तरफ जाने लगा, कैपिटलिज्म। देखिए पॉलिटिकली आपको याद रखना, पॉलिटिकली आज भी वहाँ पे कम्युनिज्म फॉलो हो रहा है, पर अगर बात करें इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कौन सी पॉलिसी अपना रखी, तो वो पूरी तरीके से साफ साफ दिखता है कैपिटलिज्म, ठीक है। तो चाइना, आपको याद रखना ये मेजर पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूं कि चाइना ने जो अपनी इकोनॉमी को डेवलप करा है वो स्टेप बाय स्टेप करा है, धीरे धीरे। पहले एक साल में कुछ और किया, कुछ पांच साल बाद कुछ और किया, यूएसएसआर की तरह नहीं, फॉरेन शॉक थेरेपी की तरह कुछ भी कर डाला, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं कि जो जाओ एन लाई था उसने मतलब मॉडर्नाइजेशन के लिए चार मेजर रिफॉर्म्स किए, किसमें, एग्रीकल्चर में, ठीक है, अभी पढ़ेंगे क्या, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस और टेक्नोलॉजी। 1973 में मेजर मॉडर्नाइजेशन हुआ, इसमें एग्रीकल्चर मतलब जो आपके, हमें पता है जो सारे जो खेत थे वो किसके पास होते थे, सरकार के होते थे, मतलब जो वहाँ पे पर्टिकुलर कम्युनिटी होती थी वो ओन करता था, यहाँ पे प्राइवेट खेत नहीं होते थे। पर एग्रीकल्चर को क्या कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया, इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया, साइंस और टेक्नोलॉजी पे काम होने लगा। तो ये मेजर चार मॉडर्नाइजेशन किसमें किए, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और किसने किए थे, जाओ एनलाइन। उसके बाद आए डेंग जाइपिंग जो थे, इन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, क्या कि इन्होंने इकोनॉमिक हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ इन्वेस्ट किया। 2004 में हम देखते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी
की रखने की बात हुई और 2007 में इस पे एक्ट बन गया था। ठीक है, 2007 में क्या बन गया था, इस पे एक्ट बन गया था कि हाँ भाई चाइना में आप प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे जो आपका डेंग ज़ाइपिंग थे, डेंग ज़ाइपिंग के ही टाइम में हम देखते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी जो थी वो बड़ी, इन्वेस्टमेंट्स बाहर से क्या आने लगी, बहुत सारी क्या आने लगी, इन्वेस्टमेंट्स आने लगी। ठीक है, 1982 में एग्रीकल्चर को चाइना के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए, मतलब कुछ पर्टिकुलर एरियाज बनाए गए जहां पर ट्रेड एंड बैरियर्स जो है वो नहीं थे। मतलब अगर आप यहां पर अपनी फैक्ट्री खोलोगे, अपना अपना कोई कारखाना खोलोगे, तो यहां पर किसी भी तरह के ट्रेड बैरियर्स जो होते हैं वो नहीं होंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है हम धीरे धीरे जैसे प्राइवेटाइज किया ना एग्रीकल्चर को, तो हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा क्या हो गया, हाई हो गया। रूरल इनकम्स जो हैं वो बढ़ने लगी, क्यों, क्योंकि रूरल एरियाज में भी अब छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो है, क्योंकि पहले लोग इंडस्ट्रीज खोलते नहीं थे, क्योंकि पहले इंडस्ट्रीज वगैरह कौन ओन करता था, एक पर्टिकुलर पार्टी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ओन करती थी। पर अब लोग हम देखते हैं कि रूरल एरियाज में भी इंडस्ट्रीज लगाने लगे और डेवलपमेंट जो है हमें रूरल एरियाज में भी देखने को मिला। फॉरेन ट्रेड बढ़ गया क्योंकि इंडस्ट्रीज लगने लगी ज़्यादा ज़्यादा, ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा, ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो फॉरेन ट्रेड तो अपने आप ही बढ़ेगा, और फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा तो फॉरेन एक्सचेंज भी, है ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स होंगी ना फिर देश के अंदर, सीधी सी बात है। जब फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा तो हम देखते हैं कि बहुत सारी जो अदर कंट्रीज थी, अमेरिका था, ठीक है, कई कंट्रीज ने आके जो है चाइना में इन्वेस्ट करा और फॉरेन एक्सचेंज जो है वो किसके पास बढ़ने लगा, चाइना के पास। और इसी वजह से आज चाइना के पास फॉरेन रिजर्व बहुत सारा है। ठीक है, तो चाइना जो है 2001 में हम देखते हैं, चाइना ने 2001 में क्वेश्चन आता है, ठीक है, अभी हम देखिए मेजर क्वेश्चन जो चाइना पर आता है वो यही आता है कि चाइना के मेजर रिफॉर्म्स बताइए, तो यही जो मेजर रिफॉर्म्स मैं आपको बता रही हूँ यही बताना है। ठीक है, चाइना 2001 में हम देखते हैं इन्होंने, इसने WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया, ओपनिंग आउट साइड वर्ल्ड। ठीक है, इससे क्या हुआ, ये दुनिया के सामने खुलकर अपने स्टैंड को, ट्रेड को लेकर आया। ठीक है, और हम डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक तरीके से एक मसीहा बना, WTO जैसे ज्वाइन करा तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए खुल के इसने बात की कि कम से कम ट्रेड बैरियर जो है इंटरनेशनल लेवल पर होने चाहिए। उसके बाद देखिए कार्टून मैं आपको दिखा देती हूँ, कार्टून वन में आपको क्या दिख रहा है कि चाइना की आइडियोलॉजी आपको दिख रही होगी कि पहले जो है चाइना जो है वो क्या फॉलो करता था, कंप्लीट कम्युनिज्म फॉलो करता था। ठीक है, बिल्कुल भी एक तरीके से अपनी इकोनॉमी को बंद कर रखा था, पर बाद में इसने चाइना ने जो है अपनी इकोनॉमी को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, ये जो आपने रेड बुक ले रखा है, इसने रेड बुक जो है ये किसका साइन है, ये कम्युनिज्म का साइन है कि ये कम्युनिज्म पहले कम्प्लीटली फॉलो करते थे और उसके बाद ये जो रेड टाई दिखा रहे हैं ये बता रहे हैं कि इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को किस तरह से चेंज किया, कैपिटलिज्म में ले गए। ठीक है, कार्टून टू जो है उसमें आपको देख रही होगी एक साइकिल है, साइकिल में जो एक पहिया है, ठीक है, चाइना साइकिल जो है वो चाइना को डिनोट कर रहा है, इसके जो दो पहिए हैं वो इसके आइडियोलॉजीज दिखा रहे हैं कि चाइना में कम्युनिज्म भी फॉलो होता है और चाइना में कैपिटलिज्म भी फॉलो होता है। कम्युनिज्म देखें तो पॉलिटिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे चलता है वो कम्युनिज्म के बेस पे चलता है, और कैपिटलिज्म इकोनॉमी जो है वहाँ की किस पे चलती है, आपकी कैपिटलिज्म पे चलती है, पैसा कमाने के लिए। ठीक है, कार्टून थ्री जो है ये भी चाइना की ही है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरफ इंडिकेशन देता है, और यहाँ जो एक इंसान इसको रोक रहा है वो एक तरीके से अमेरिका बताया जाता है कि ये अमेरिका है जो चाइना की इकोनॉमी को रोकना चाहता है। पर चाइना की इकोनॉमी जो देखिए वर्ल्ड के ऊपर से ड्रैगन आ रहा है, क्योंकि ड्रैगन और ये जो वॉल ऑफ चाइना को देखकर हमने पता लगा लिया ये चाइना का कार्टून है, और ये इस तरफ इंडिकेशन देता है कि 2040 तक जो चाइना की इकोनॉमी होगी वो पूरे वर्ल्ड पे लीड करेगी एक दिन, ठीक है, लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी वर्ल्ड की। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि ये कार्टून थ्री है। अब लिमिटेशंस देखिए, लिमिटेशंस भी बहुत हैं चाइना की, क्योंकि इतने तेज़ी से इन्होंने डेवलपमेंट किया, स्टेप बाय स्टेप किया, पर काफ़ी मेजर चेंजेस अपनी इकोनॉमी में लेकर आए। अनएम्प्लॉयमेंट भी हम यहाँ पे देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर देखी जाती है। ठीक है, फीमेल जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस हैं वो बहुत ख़राब यहाँ की मानी जाती हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन यहाँ पर बहुत हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन यहाँ पर बहुत हुआ है, करप्शन भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, और इनइक्वालिटी रूरल और अर्बन एरियाज में हमें मेजर इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं